क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 पे सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? आईसीसी को, उसके बाद क्रिकेट बोर्ड को यानी डोमेस्टिक क्रिकेट बोर्ड, और इनके बाद जो आते हैं मेन वो है खिलाड़ी। क्या आप जानते हैं इंडियन क्रिकेटर्स कितना कमा रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप में? सुन के तो आप चौंक ही जाएंगे। जैसे चाहल कमा रहे हैं दिनेश कार्तिक से ज्यादा, हार्दिक पांड्या कुलदीप यादव से कम कमा रहे हैं, उधर धोनी से ज्यादा इंडियन फर्स्ट बॉलर कमा रहे हैं। और भी चौंकने वाले बात आ रहा है, जुड़े रहिए मेरे साथ रहस्य लाइव में, मैं आज आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों, भारत क्रिकेट बोर्ड जो है यानी बीसीसीआई, ये लोग क्रिकेट पे चालू किए हैं जिनके दौरान किसी भी खिलाड़ी को अलग अलग पेमेंट नहीं दिया जाएगा, यानी हर एक का पेमेंट अलग नहीं होगा। इन लोगों को कुछ ग्रुप में बटा गया है, इन लोगों को ग्रुप के हिसाब से पेमेंट मिलेगा, यानी जो अच्छे ग्रुप में होगा उनका पेमेंट अच्छा होगा यानी ज्यादा होगा, जो लोग कमती वाले ग्रुप में रहेंगे उनका पेमेंट कम होगा। बीसीसीआई ने चार ग्रुप बना के रखे हैं, ए प्लस, ए बी और सी ग्रुप। इन तीनों में ग्रेड पे है 7 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ और 1 करोड़, ये सब है पर ईयर के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं ग्रेड ए प्लस में कौन कौन आते हैं। ग्रेड ए प्लस में आते हैं विराट कोहली यानी भारत के कप्तान, साथ में रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। इन तीनों को मिलता है 7 करोड़ रुपए पर ईयर, ये इनका सैलरी है। कोई मैच खेले, चोट के कारण टीम से बाहर भी बिठा रहे तो भी इनको इतना पैसा ही मिलने वाला है, और ये कैलेंडर ईयर के हिसाब से होता है। अभी देखते हैं दूसरे नंबर ग्रुप पे कौन कौन आते हैं। ग्रेड ए प्लेयर्स में आते हैं एम एस धोनी, भुवनेश्वर कुमार, रविंद्र जडेजा, शिखर धवन, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव। इन लोगों को मिलता है 5 करोड़ रुपए ईयरली। इनके हिसाब से देखा जाए तो इन लोगों का मंथली पेमेंट रहता है लगभग 45 करोड़ रुपया। अब बात करते हैं ग्रेड बी प्लेयर्स के बारे में। ग्रेड बी प्लेयर्स में है केएल राहुल, युवेंद्र चहल और हार्दिक पांड्या। इन लोगों को मिलता है 3 करोड़ रुपए सालाना। तो उनके हिसाब से देखा जाए तो मंथली इन लोगों का इनकम हो जाते हैं लगभग 25 लाख रुपए। अभी अंतिम ग्रुप यानी चौथे ग्रुप की तरफ आते हैं, और ये है ग्रेड सी प्लेयर्स, और इनमें आते हैं केदार यादव, दिनेश कार्तिक, विजय शंकर जैसे खिलाड़ी, और इन लोगों को सालाना मिलता है 1 करोड़ रुपए, जो कि मंथली के हिसाब से देखा जाए तो 8 से 8.5 लाख रुपए आ जाता है। ये तो गया सैलरी की बात, यानी खेले ना खेले, कुछ भी हो जाए या भूचाल आ जाए, उन लोगों को ये पैसा मिलने ही वाला है। अब अगर कोई मैच खेलते हैं तो उनके लिए कितना पैसा मिलता है इन लोगों को, यानी वर्ल्ड कप के एक मैच के लिए एक्स्ट्रा कितना पैसा मिलेगा। वर्ल्ड कप में ODI मैच हो रहा है तो पर ODI मैच में 6 लाख रुपए मिल जाता है हर एक प्लेयर्स को, यानी जो 11 प्लेइंग टीम होगा, फर्स्ट 11 सभी को 6 लाख रुपए मिल जाएगा, और ये 12th मैन को इंक्लूडिंग करके है। अगर ये टेस्ट मैच होता है तो 15 लाख पर मैच होगा, और T20 मैच के लिए 3 लाख रुपए पर मैच मिल जाएगा। वर्ल्ड कप में इंसेंटिव भी मिलता है मैच जीतने के लिए, वो इंसेंटिव 10-15% तक हो जाता है। इससे आगे और भी कमाई होते हैं इन लोगों का, जैसे ब्रांड एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया हैंडल्स और भी बहुत सारे। तो वर्ल्ड कप में इतने कमाई हो जा रहे हैं सब प्लेयर्स को। तो दोस्तों, आपको वर्ल्ड कप के बारे में और क्या जानकारी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके कमेंट का।